हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको फिर से लेके आए अपने किचन में और आज हम आपको बनाना बताएंगे छोले, पनीर वाले छोले कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कि पनीर वाले छोले कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमने जो तेल है उसको गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर और अब इसके अंदर डालते हैं जीरा। जीरे का छोंक लगाते हैं पहले, ये जीरे का छोंक लगा दिया और उसके बाद अब इसके अंदर प्याज का छोंक लगाएंगे। ये थोड़ी सी प्याज, ये सिर्फ थोड़ी सी प्याज का छोंक लगाया है हमने इसमें जो है। और अब जो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने जो इसके लिए ज़रूरी सामान क्या क्या रखा हुआ है काट के, ये हम लोगों ने इसमें प्याज, पिसी हुई प्याज जो छोंक में फिर काम आएगी, ये पिसा हुआ टमाटर और अदरक और इसके अंदर है लहसुन और हरी मिर्च। ये छोले हो गए अपने और ये हो गया है पनीर। तो दोस्तों चलिए, और ये अपनी मसालदानी, और अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर डालते हैं अपनी जो पिसी हुई प्याज है उसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये पिसी हुई प्याज डाल दी हमने इसके अंदर और ये अच्छी तरह इसको अब भून लेते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह भून लीजिए, जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक इसको गर्म करते रहिए, सेकते रहिए और ये प्याज लाल हो जाएगी जब ये पूरी तरह भून जाएगी तब। तो हिला हिला के भूनते रहिए धीमी आंच के ऊपर, ऐसे इस पर रेगुलर हिलाते रहिएगा, नहीं ये जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। तो दोस्तों अब इसके अंदर से प्याज की भीनी भीनी खुशबू, जो भूनने की खुशबू है वो आने लग गई है। तो मेरे ख्याल से अब ये भून गई, आप देख भी रहे होंगे जो थोड़ी पहले वाइट प्याज थी वो अब येलो और रेडिश सा कलर ही इसने ले लिया है। तो थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं अपने जो पिसा हुआ टमाटर है वो इसके अंदर पोर कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह भुनने देते हैं, हम लोग पकाते हैं धीमे आंच पे और फिर इसके अंदर जो रिक्वायर्ड मसाले हैं वो डालते हैं और फिर इसको अच्छी तरह आँच पे पिस आँच पे भुनने देते हैं। इसके अंदर हम लोग डालेंगे पहले हल्दी पाउडर डाल दिया, मिर्च और ये धनिया है, हम लोगों ने इसमें धनिया डाल दिया और आप इसको अच्छी तरह मिला दीजिए और साथ में नमक भी इस अभी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए नमक भी साथ में। और आप इसको अच्छी तरह मिला दीजिए सब मसाले को और फिर इसको पकने दीजिए, और जब ये अच्छी तरह पक जाए तब इसके अंदर हम लोग पनीर और अपना जो बाकी का मसाला है वो डालेंगे। तो दोस्तों ये अब अपनी ग्रेवी जो है लगभग पक चुकी है और इसके अंदर सारे मसाले हमने डाल दिए थे, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे छोले और पनीर ताकि ग्रेवी पक चुकी है अपनी। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं छोले और पनीर। अब ये ग्रेवी पक गई थी उससे पहले हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है ताकि इसमें गरम मसाले का टेस्ट आ जाए, चना मसाला, गरम चना मसाला, और आप इसको अच्छी तरह मिला दीजिए। ये दोस्तों ग्रेवी पकने के बाद और छोले डालने से पहले डालना है ताकि ये अच्छी तरह छोलों के साथ मिक्स हो जाए और उनके साथ ये पानी के साथ पके। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं दोस्तों छोले और अपना पनीर। दोस्तों बीच में इसको उगाड़ के थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें और ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि आपको पता लग रहे कि आपकी जो सब्जी है वो किस स्टेज में है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पकने के बाद तैयार जो हमारा स्टफ़ है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये अपना जो है पनीर वाले छोले बनकर तैयार हैं और स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है इससे, बहुत मतलब टेस्टी लग रहा है स्मेल के हिसाब से। तो ये अपने पनीर वाले छोले जो हैं रेडी हैं सर्व के लिए, बनके तैयार हैं बिल्कुल ग्रेवी, पनीर छोले विद ग्रेवी। तो दोस्तों अब आपने देखा था कि हमने बनाए थे पनीर वाले छोले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।